Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक थाई फिल्म के बारे में जिसका नाम है My Ex. नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि शायद ये एक रोमांटिक मूवी है, but with a horror twist. मतलब ये एक हॉरर रोमांटिक फिल्म है. ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी एंड दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय पियापन चुपेज. IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और 81% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है. ये कहानी है केन की. केन एक सुपरस्टार है, रिच एंड हैंडसम. लड़कियां उसकी दीवानी फिरती हैं. वैसे बंदा तो वो अच्छा है, मगर सिर्फ लड़कियों के मामले में ही वो थोड़ा सा ढीला है. एक गए नहीं कि दूसरी आ जाती है. कपड़ों से ज्यादा तो वो गर्लफ्रेंड चेंज करता है और इसी वजह से उसके करियर से ज्यादा उसकी पर्सनल लाइफ, अफेयर्स, गर्लफ्रेंड्स, ये सब गॉसिप मैगजीन और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनती है. कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम उसे एक पॉलिटिशियन की बेटी मीन के साथ देखते हैं. अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही थी उनकी, मगर जैसे ही एक दिन मीन उसे इन्फॉर्म करती है कि वो प्रेग्नेंट है, केन कुछ इरिटेटेड होने लगता है. उसे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए था और वैसे भी ये बच्चा उसका है, इसकी क्या गारंटी है. मीन को ये बात बहुत हर्ट करती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है, तो वो नाराज होकर वहां से निकल जाती है और प्रोबेबली उनके रिलेशनशिप की भी यही पर दी एंड हो जाती है. मगर तभी हमें पता चलता है ये बच्चा ही सिर्फ उनके ब्रेकअप का कारण नहीं है. उनकी ब्रेकअप तो वैसे ही होने वाली थी क्योंकि शायद मीन से केन का मन उठ चुका था. वो एक नई लड़की बो को डेट करने लगा था. Yes, double dating. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ भी गलत नहीं है. वो तो एक साधारण इंसान है जिसे बाकी सबकी तरह अपने लिए एक ट्रू लव चूज करने की राइट है. इसके लिए वो हजारों लड़कियों को डेट कर सकता है, इसमें गलत क्या है. एनीवेज, इसके कुछ दिन बाद हम उसे शूटिंग फ्लोर पर देखते हैं, यंग एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस प्लॉय के साथ. शूटिंग से निकलते ही बहुत सारे रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और उनके सवालों से हमें ये पता चलता है इंडस्ट्री में ये नई नई एक बात फैली है कि केन और प्लॉय बहुत जल्द शादी करने वाले हैं. तो अभी इन रिपोर्टर्स को ये जानना था क्या बो और मीन के साथ केन का ब्रेकअप हो चुका है, जिसका जवाब तो केन नहीं देता, मगर उसके बॉडी लैंग्वेज से ये जवाब हाँ ही लग रहा था. मगर उनमें से एक रिपोर्टर कहती है, तो केन अभी भी मीन और बो के साथ क्यों दिखता है. अभी इस सवाल के लिए केन रेडी नहीं था, स्पेशली प्लॉय के सामने. नेचुरली प्लॉय बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है मगर एक्सप्रेस नहीं करती. वो लोग घर की तरफ लौटने लगते हैं तो केन देखता है उसके गाड़ी पर किसी ने लाल रंग से गाले लिख कर गया था. उसे आसपास एक फोटोग्राफर दिखता है. ये लड़का उसे पिछले कई दिनों से फॉलो कर रहा था, तो अभी केन को लगा कि शायद इसने ही फुटेज पाने के लिए ये सब किया है. केन उस लड़के को मारता भी है, मगर उसने तो ये सब किया ही नहीं, वो तो सिर्फ यहाँ पर उनकी फोटोज ले रहा था. किसी तरह से गाड़ी को साफ करने के बाद केन और प्लॉय आगे बढ़ते हैं. प्लॉय बात नहीं कर रही थी, ये देखकर केन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो और मेन उसका पास्ट है. एट प्रेजेंट वो प्लॉय के साथ है और फ्यूचर में भी उसी के साथ रहना चाहता है. प्लॉय भी तो यही बात बिलीव करना चाहती थी मगर कर ना सकी, क्योंकि उसी वक्त केन को कॉल करती है वो एक अननोन नंबर से. असल में वो केन से बहुत प्यार करती थी. ऐसे अचानक से उसने ब्रेकअप कर लिया, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था. वो बार बार पागलों की तरह केन को कॉल करती जा रही थी और केन उसके कॉल्स को बार बार इग्नोर कर रहा था. अभी वो फोन बूथ से कॉल कर रही थी जिससे वो एटलीस्ट एक बार केन से बात कर पाए, मगर केन उसकी आवाज सुनकर ही फोन काट देता है. उसे लगा वो उसे फिर से तंग कर रही है, मगर उसके इसी बिहेवियर से वो बहुत हर्ट हो जाती है और वो उसी फोन बूथ के अंदर रुक कर रोने लगती है. और तभी एक ट्रक आकर डायरेक्टली उस बूथ को हिट करती है जिससे वो की वहीं पर मौत हो जाती है. इस बारे में केन को कुछ भी पता नहीं चल पाता, ऑब्वियसली प्लॉय को भी नहीं. बट उसे उसी वक्त एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस होता है. उसे मिरर में अपने रिफ्लेक्शन की जगह एक भूतिया चेहरा दिख रहा था. इवन गाड़ी में केन के रहने के बावजूद उसे फील हो रहा था कि वो अकेली है. उसे बाहर वही आत्मा दिखती है जो उसी की तरफ देख रही थी. प्लॉय बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर केन उसे संभाल लेता है. उसे तो बाहर कोई नहीं दिखता, तो उसे लगा कि शायद प्लॉय हेलुसिनेट कर रही है. मगर उनके जाने के बाद हमें भी वहां पर वो आत्मा दिखती है जिसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था. मतलब ये प्लॉय का हेलुसिनेशन नहीं है, कोई आत्मा सच में उसे हॉन्ट कर रही है. लेकिन सिर्फ प्लॉय को ही नहीं, केन को भी. इसका और एक प्रूफ हमें नेक्स्ट सीन में मिलता है. केन प्लॉय को लेकर अपने घर जाता है.
वहां जब वो लोग चिल कर रहे थे, हमें टीवी स्क्रीन पर केन के साथ उसी आत्मा की रिफ्लेक्शन दिखती है। इसके बाद भी जब वो लोग बाथटब में कुछ प्राइवेट मोमेंट्स बिता रहे थे, तो केन को ऐसा लगता है कि प्लॉय उसके स्किन पर नाखूनों से स्क्रैच कर रही है, इवन खून भी बह रहा था। मगर तभी वो पीछे मुड़ता है और ये देखकर चौंक जाता है कि प्लॉय तो वहां पर है ही नहीं। पूरा बाथटब खून से भर गया था और उस खून में किसी के बाल भी थे, जो केन को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। केन का दम घुटने लगा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था, मगर इसी बीच उसे एहसास होता है कि ये सब एक सपना था। दूसरी तरफ प्लॉय, जो अकेले कमरे में सो रही थी, उसे फिर से वही आत्मा दिखती है। वो केन को भी दिखाती है, केन उसका पीछा भी करता है मगर सामने से उसे देख नहीं पाता, बस उसे अपनी फोटो क्रैक्ट हालत में मिलती है। इस सब के बीच उसे अपने मैनेजर निमित से खबर मिलती है, किसी ने उनके ऑफिस में तोड़फोड़ किया है और दीवार पे वही गाली भी लिख दिया है। केन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, ये सब किसका काम हो सकता है, तो निमित उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए कहता है। अभी कोई शूटिंग में नहीं था, तो केन किसी को कुछ बिना बताए अपने बीच हाउस के तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो उस घर के तरफ आगे बढ़ रहा था, उसे मीन की बहुत याद आ रही थी। इस घर में उन दोनों ने बहुत अच्छे पल बिताए हैं, कहीं ना कहीं उसके दिल में अभी भी मीन के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो है। एंड कोइंसिडेंटली जैसे वो उस घर में पहुंचता है, वहां पर उसे मीन मिलने आती है। उसने वो बेबी भी अबॉर्ट कर लिया था, तो अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो वो रात वो लोग एक साथ उसी घर में स्पेंड करते हैं। मगर रात में अचानक से प्लॉय के आ जाने से केन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगा अभी तो उसका भांडा फूटने वाला है, मगर जब प्लॉय चेक करती है तब तक मीन जा चुकी थी, मतलब केन बच गया था, और वो बाकी के रात भी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर प्लॉय के साथ ही स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से उसी फोटोग्राफर को देखते हैं। उस दिन मार खाने के बाद भी उसने केन को फॉलो करना बंद नहीं किया। उसके पास केन की हजारों तस्वीरें हैं, वो जैसे साइको स्टॉकर बन चुका था। मगर इतना सब कुछ सिर्फ हेडलाइंस के लिए वो नहीं कर रहा था, बल्कि इसके पीछे और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। हम देखते हैं वो कुछ रिसेंट फोटोज को चेक कर रहा था बहुत ही ध्यान से, क्योंकि उसे उन फोटोज में केन और प्लॉय के साथ और भी कोई दिख रही थी, एक लड़की। नई पुरानी हर फोटोज में वो जैसे साया की तरह केन का पीछा कर रही थी। उसे नहीं पता ये लड़की कौन है, मगर उसे जानना जरूर है, इसीलिए वो बीच हाउस तक भी केन को फॉलो करता है। वहां जब केन और प्लॉय समुंदर में नहा रहे थे, तब भी ये लड़का उनकी फोटोज क्लिक करता है। एंड गेस व्हाट, उन फोटोज में भी वो साया था। उधर केन के साथ भी कुछ अजीब हादसे होने लगे थे। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे उसके नाम से बुला रही है, कोई लड़की जिसकी आवाज को वो पहचानता है। उस तरफ ध्यान देते वक्त गलती से वो पेड़ से भी टकरा जाता है, उसके चेहरे पर घाव भी आ गए थे। प्लॉय उसका फर्स्ट एड करती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है। मगर जाने से पहले केन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। प्लॉय भी हाँ कह देती है और वो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि बहुत जल्द वो लोग इस बात को ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। प्लॉय तो खुश होकर निकल पड़ती है। उधर उसके जाने के साथ साथ मीन भी उस घर में वापस आ गई थी, वो जैसे प्लॉय के जाने का ही वेट कर रही थी। केन डिसाइड करता है वो मीन से उसके और प्लॉय के एंगेजमेंट के बारे में बताएगा। मगर ठीक उसी वक्त उसे निमित कॉल करता है। केन ने बस कुछ ही देर पहले उसे कॉल करके ये पता करने के लिए कहा था कि मीन को कैसे पता चला कि वो बीच हाउस में है, तो अभी उसे लगा कि शायद इसी के जवाब देने निमित उसे कॉल कर रहा है। मगर वो फोन रिसीव करके उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि यहाँ से लौटते वक्त प्लॉय की मौत हो चुकी है, उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है जब प्लॉय एक ब्रिज क्रॉस कर रही थी, तब पता नहीं कैसे उसके गाड़ी में धुआं भरने लगा था। उसके बाद उसे फिर से वही आत्मा अपने बिल्कुल पास दिखती है, जो बहुत ही गुस्से में उसे कह रही थी ही इज माइन, मतलब वो मेरा है। गाड़ी का स्टीयरिंग भी काम करना बंद कर दिया था, तो प्लॉय गाड़ी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। गाड़ी जाकर डायरेक्टली दीवार से टकराती है और प्लॉय को एक बहुत ही भयानक मौत मिलती है। केन इस हादसे से काफी ज्यादा दुखी हुआ था, क्योंकि वो प्लॉय के मामले में काफी सीरियस था और इस हालत में भी प्रेस वाले उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे, तो वो सबसे छुपते छुपाते फिर से उसी बीच हाउस में लौट जाता है। इस ट्रॉमा से निकलने के लिए उसे थोड़ा सा वक्त तो चाहिए, मगर उसके निकल जाने के साथ साथ वो फोटोग्राफर निमित से मिलने आता है और अपनी कुछ फोटोज भी अपने संग लाता है केन को दिखाने के लिए। निमित पहले तो इन फोटोज पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, उसे लगा कि ये सब कुछ एडिटेड है,
मगर कुछ फोटोज को देखकर वो भी बिल्कुल श्योर हो चुका था कि ये फोटोज रियल है और इनमें जो लड़की थी उसे भी तो निमित पहचानता है। ये तो मीन है, मतलब वो पागल औरत अभी भी केन का पीछा कर रही है, इसीलिए उसे पता चला कि केन अभी बीच हाउस में है। निमित उसी वक्त मीन को वार्न करने के लिए कॉल करता है, मगर तभी उसकी नजर पड़ती है एक टीवी स्क्रीन पर जहां एक न्यूज टेलीकास्ट हो रही थी। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये न्यूज मीन के बारे में है। उसकी लाश मिली है, एटलीस्ट 3 दिन पहले उसकी मौत हुई थी। उसका बिस्तर खून से लथपथ था, कमरे में चारों तरफ चाकू, कांच, केन के साथ उसकी फोटो, सब कुछ बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर पुलिस गेस कर रही थी कि शायद इसने सुसाइड की होगी। मतलब ये उसकी आत्मा थी जो केन और प्लॉय को हॉन्ट कर रही थी, जिसके कारण प्लॉय की मौत हुई है। निमित ये देखकर समझ पाता है कि वो फोटोग्राफर इसीलिए इतना जोर दे रहा था, तो वो उसी वक्त केन को वार्न करने निकल पड़ता है, मगर जिसने उन्हें वार्न किया था वो फोटोग्राफर खुद को बचा नहीं पाता। केन को वार्न करने के जुर्म में मीन की आत्मा उसे मार डालती है। अभी बारी थी निमित की। वैसे ही इससे पहले भी मीन को बहुत भला बुरा कहा था उसने, तो उसे और ज्यादा डर लगने लगा था। जब वो बीच हाउस में पहुंचता है तब केन दुकान गया था कुछ सामान लाने, तो अकेले घर में मीन की आत्मा निमित पर भी हमला कर देती है। कुछ देर बाद जब केन घर लौटता है तो उसे टेबल पर वो फोटोज दिखती है, उनमें मीन भी, मगर निमित कहीं पर भी नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद उसे उसकी लाश मिलती है, जिसका चेहरा कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड था, किसी ने उसके जॉलाइन से आधा हिस्सा ही काट लिया था। उधर उसके बेडरूम से केन को मीन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जब कमरे में जाता है तो उसे उसकी आत्मा भी दिखती है जो खून के आंसू रो रही थी। अभी वो आई है केन से बदला लेने, उसी के कारण तो उसे मरना पड़ा। असल में केन उसका ट्रू लव था, सच्चा प्यार, फर्स्ट लव। केन ने भी उससे प्रॉमिस किया था कि वो भी अपना पूरा जीवन मीन के साथ ही बिताएगा। मीन ने उसके बातों पर बिलीव किया। उसे क्या पता था केन ये सेम बात सभी लड़कियों से कहता है। उसके इसी प्लेबॉय काइंड ऑफ नेचर के लिए ही मीन का जीवन बर्बाद हो गया। उसने इसी बिस्तर पर केन को बो के साथ देखा था। उसके कुछ दिन बाद प्लॉय को भी, वो हर दिन उन्हें फॉलो कर रही थी। वो अपने प्यार को ऐसे दूसरे लड़कियों के साथ देखकर और सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन सुसाइड कर ली। मरने से पहले उसने अपने आप से फोर्सफुली अपने बच्चे को अबॉर्ट किया, अपने शरीर को चाकू से काटा और खुद से ये प्रॉमिस भी किया कि वो अपनी मौत का बदला जरूर लेगी। इसीलिए मरने के बाद सबसे पहले उसने बो को मारा। उस दिन उस ट्रक ड्राइवर को तो उसने ही डाइवर्ट की थी, और कल रात प्लॉय को भी उसने ही डराकर मार डाला, और आज वो यहाँ पर है। पहले वो केन पर कांच से हमला करती है, अपने शरीर को फिर से एक बार चाकू से काटने लगती है, मगर इस बार घाव केन के शरीर पर आ रहे थे, खून उसका निकल रहा था। केन के लिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका था, तो वो उससे भागने की कोशिश करता है, मगर मीन गाड़ी में भी उसका पीछा करती है और उसे भी डाइवर्ट करके गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है। वो गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकराती है और उस पेड़ का एक हिस्सा केन के शरीर के अंदर घुस जाता है। केन समझ चुका था कि वो मरने वाला है बहुत जल्द, तो वो मरने से पहले मीन से माफी मांगता है। ये भी कहता है कि वो जब उसके साथ था तब वो सच में उससे प्यार करता था, मगर इंसान तो बदलता है, समय के साथ साथ वो भी बदल गया और उनका रिलेशनशिप फेड आउट होने लगा, लेकिन उसने कभी मीन पर चीट नहीं किया था। ये बात सुनकर मीन भी इमोशनली वीक हो जाती है, रोने लगती है और उसी के सामने केन अपनी आंखें बंद कर लेता है। एट द फाइनल सीन हम पहुंच जाते हैं मीन के फ्यूनरल में, और यहाँ पर हमें केन भी दिखता है, मतलब वो मरा नहीं, मीन ने उसे मरने नहीं दिया, उससे सच्चा प्यार जो करती थी। आखिरकार केन को भी अपने गलती का एहसास हुआ था और उसने माफी भी मांगा था और मीन ने उसे माफ भी कर दिया उसकी जान बचाकर। दी एंड। दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी बहुत ही सिंपल सी है बट विद अ ट्विस्ट। पहले हमें लग रहा था कि शायद वो जो आत्मा उन्हें हॉन्ट कर रही है वो शायद बो की होगी, लेकिन नहीं, वो भी तो एक्चुअल में एक विक्टिम ही थी। ये आत्मा तो थी असल में मीन की, जिसकी मौत बहुत दर्द में हुई थी। हाँ वो गुस्से में थी, नाराज थी, और इसीलिए उसकी स्पिरिट एक वेंचफुल स्पिरिट बन गई, मगर हाँ उसका प्यार भी बहुत सच्चा था और इसीलिए उसने एट लास्ट केन को जाने दिया, उसकी जान बचाई। पर्सनली मुझे ये कहानी, ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।